हम इकट्ठे होते हैं परमेश्वर की बड़ाई करने के लिए, परमेश्वर की उस्तत करने के लिए। बाइबल कहती है कि अपने मुंह को खोल तो मैं इसे भर दूंगा। किसके साथ भरेगा परमेश्वर? वचनों से। He will give words in your mouth। आप लोग परमेश्वर से अपने प्रेम को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, आप बता नहीं सकते कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि मुंह नहीं खुलता है। 150 जबूर हैं भजन संहिता में, 150 हैं। उसमें से दाऊद ने कितने लिखे हैं? 95% डेविड ने लिखे हैं। एक दो गीत आपको मूसा का मिलेगा और भी प्रभु के संतों के मिलेंगे। इतना बड़ा बातें, इतनी बड़ी बड़ी बातें जो हम एवरी संडे पढ़ते हैं, कैसी कैसी बातें वो प्रभु के सामने रखता है, कैसे शब्द उसके मुंह में आते हैं प्रभु की प्रस्तुति करने के लिए। हमें वो वर्ड्स नहीं आते क्योंकि हमारा मुंह नहीं खुलता है। वी कैन नॉट एक्सप्रेस आर लव। कहना उच्ची आवाज दे नाल परमेश्वर नु पुकार और सरफा ना कर, कुछ भी मत रख छोड़। ऐसा आराधना किया कभी आपने? या अंदर दिलेरी नहीं है सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने जाकर मुंह खोलने के लिए? उसका कारण आपका आलस हो सकता है, आपकी ढिलाई हो सकती है, आपका पाप हो सकता है, आपकी बुराई हो सकती है। जो परमेश्वर के सामने मुंह खोलने के लिए दिलेरी नहीं होता, इसलिए जांचे अपने आप को, अपने आप को परखें। क्या मैं सच में परमेश्वर से प्रेम करता हूँ? क्या परमेश्वर वास्तव में मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है? क्या सच में बाकी सब चीजों के सबसे पहले मुझे परमेश्वर चाहिए? डू वी लव हिम लाइक दैट? क्या हम उसे इस तरह से प्रेम करते हैं? जगत की सारी चीजें एक तरफ और हमारा परमेश्वर एक तरफ, क्या ऐसा आपके साथ है? अभी प्रार्थना किया है, प्रभु अपने दास को अपने हाथों में लेकर हमसे बातचीत कर। यकीन करते हैं परमेश्वर आपसे बात कर रहा है? एक वचन पढ़िए, एजेकियल उसका 33 अध्याय उसका 30 वचन से पढ़िएगा। हे मनुष्य की संतान, हाँ सुनिए ध्यान से, तेरे लोग दीवारों के पास और घरों के द्वारों में तेरे विषय में बातें करते हैं और एक दूसरे से कहते हैं, आओ सुनो कि यहोवा की ओर से कौन सा वचन निकलता है। आओ देखे आज संडे यहोवा की ओर से कौन सा वचन निकलता है। आज प्रभु का दास देखते हैं क्या बात करता है। वह प्रजा के समान तेरे पास आते हाँ। और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर हाँ। तेरे वचन सुनते हैं। हाँ, मेरी प्रजा बनकर तेरे पास आते हैं और तेरे वचन सुनते हैं। परंतु वह उन पर चलते नहीं, मुंह से तो वह परंतु वे उन पर चलते नहीं। वह प्रजा के समान हाँ। तेरे पास आते, प्रजा के समान तेरे पास आते, यहोवा की प्रजा बनकर तेरे पास आते हैं और मेरी प्रजा बनकर हाँ तेरे सामने बैठकर, मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठ जाते हैं, तेरे वचन सुनते हैं और तेरे वचन भी सुनते हैं, परंतु वह उन पर चलते नहीं, परंतु उन पर चलते नहीं है। मुंह से तो वह बहुत प्रेम दिखाते हैं, मुंह से तो वह बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है, संसारिक चीजों में, संसारिक मोह में लगा हुआ है। जो ट्रेडिशनल क्रिश्चियन अपने आप को कहते हैं वे होते, उनकी हालत होती है ऐसी, सारे जहान के दुनियावी कामों में लगे रहते हैं, फिर एतवार को आकर पास्टर को खुश करने के लिए वचनों में से बातें करने लग जाते, पास्टर जी वचन में ऐसा लिखा है, प्रजा बनकर आते। फिर तू उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाला। हाँ, कैसा तू उनकी दृष्टि में कैसा है? मधुर गीत गाने वाला, मधुर गीत गाने वाला और अच्छा बजाने वाला सा ठहरा, और अच्छा बजाने वाला सा ठहरा है। फिर क्योंकि वह तेरे वचन सुनते तो है हाँ, परंतु उन पर चलते नहीं। हाँ, सुनते हैं उन पर चलते नहीं, इसलिए क्या ठहरा है? एंटरटेनर बन गया सेवक, वचनों पर ध्यान नहीं करते, कहना मानते नहीं, तो इसलिए सेवक उनकी दृष्टि में क्या बन गया है? एंटरटेनर। इसीलिए सुनते हैं, साथ में गाते नहीं, क्योंकि गाना मेरा ड्यूटी है, आप सिर्फ सुनने आए हैं। ये कोई अखाड़ा नहीं, इधर इधर कोई सिंगर नहीं आया है, हम मिलकर प्रभु की प्रस्तुति करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, मिलकर प्रभु की आराधना करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम सिर्फ खामोशी के साथ आंखें बंद करके सुनना चाहते हैं। कहीं यहोवा ने आपकी हड्डियां तो नहीं तोड़ी हुई, जुबान खुश्क तो नहीं की हुई आपकी? ये दाऊद की होती है, जबूर 51 में, साम 51 में दाऊद की जुबान खुश्क हो जाती है पाप के कारण। हड्डियां कहता जो तूने जो तोड़ डाली हैं, कोई हर्ष की बात सुना, कोई आनंद की बात सुना और फिर से रिस्टोर कर मुझे। ऐसी हालत तब होती है जब हमारे जीवन में बुराई आ जाती है और हमारी मुंह खोलने की दिलेरी नहीं होती।
प्रभु के कलाम में लिखा कहता है हियाव के साथ उसके सिंहासन के सामने आओ। पढ़ा है वचन में, इब्रानियों पढ़े 4:16। इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो। हाँ, अनुग्रह के सिंहासन के सामने हियाव बांध के आओ, आगे हम पर दया हो, कि हम पर दया हो और हाँ, वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हियाव बांध के प्रभु के सिंहासन के सामने आपने हियाव बांध के आना है। आप सिंहासन लगाते ही नहीं। वो कहता है, कलाम कहता है, भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर अपने लोगों की स्तुति पर विराजमान होता है। When we praise God, when we worship Him, हम उसका सिंहासन हमारे मध्य में लगाते हैं। Come Lord, sit before us, हमारे सामने तू बैठ, हम तेरी प्रस्तुति करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं। We don't do that part, वो हिस्सा हम करते ही नहीं। We don't welcome God, हाँ, इसलिए हिया बांध कर परमेश्वर के सामने आओ। भजन संहिता 22:3 भी पढ़िए। परंतु तू जो इसराइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, हाँ, परंतु तू जो इसराइल की स्तुति पर विराजमान है, किधर तो विराजमान होता है यहोवा? स्तुति के सिंहासन, स्तुति के सिंहासन पर। आप जब अपने मुंह को बंद करके रखते हैं, गॉड डजंट सिट एनीवेयर। जरा इमेजिन करें, यू आर सिंगिंग हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज यू जीसस, नीचे सिंहासन के पैर बनने शुरू हो गए। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते, तेरा धन्यवाद करते, तेरा धन्यवाद करते खुदावंद। वैसे धीरे 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 बन रहा, सीट बनने शुरू हो गई। गीत गाते हैं, सियोन देश हमारा देश, गीत शुरू किया है, हारमोनियम बजा रहे, ढोलक बजा रहे हैं, आपके मध्य में वो आ रहा है बैठने के लिए। क्या कभी अनुभव किया ऐसा? जब आप वर्शिप करते मुंह खोलेंगे तो करेंगे, यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर लव टुवर्ड्स गॉड। आज सुबह, कल रात को बहन पूछ रहे थे श्रेष्ठ गीत के बारे में, और मैंने आज सुबह पूरा पुस्तक पढ़ लिया श्रेष्ठ गीत। और जब मैं उसको पढ़ रहा था, एक लड़की अपने प्रेमी के लिए प्रेम जाहिर कर रही है। आप संसार में भी देखेंगे, कोई भी प्रेमी प्रेमिका आपस में ऐसी बातें नहीं करते, ऐसे प्रेम को एक्सप्रेस कोई नहीं करता है जैसे उस पुस्तक में किया गया है। उस पुस्तक में एक लड़की है जो सांवली रंग की है। जो कैसी है? सांवली, पर सुंदर है। वो लिखा सुलेमान के द्वारा गया है, ऐसा हमें लिखत में मिलता है। सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन कहा जाता है। हिब्रू फॉर्म में इस पुस्तक को नाम दिया गया, जैसे होली ऑफ होलीज, किंग ऑफ किंग्स। हिब्रू फॉर्म में इस बुक का नाम दिया गया है सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन, माने ग्रेटेस्ट सॉन्ग। इस तरीके से इसको नाम दिया गया है पुस्तक, ग्रेटेस्ट सॉन्ग एवर, ग्रेटेस्ट पोइट्री एवर। उस पुस्तक में एक स्त्री अपने प्रेम को अपने प्रेमी के प्रति जाहिर कर रही है अपने शब्दों के द्वारा। शी इज एक्सप्रेसिंग लव टुवर्ड्स हर लवर। ये दो तरीके से रिजेंबल करता है, दो तरीके से रिजेंबल करता है। एक, वो स्त्री इसराइल को दर्शाती है, और वो चरवाहा जिससे वो प्रेम करती है, शेफर्ड जिससे वो प्रेम करती है, वो यहोवा है। और उनके बीच का जो प्रेम है, वो उनकी उनके दरमियान बंधी हुई वाचा को दर्शाता है जो परमेश्वर ने इसराइल के साथ बांधी है। और दूसरा किसे दर्शाता है? कलीसिया, द ब्राइड, दुल्हन को दर्शाती है, और उसके प्रेम जो मसीह के प्रति है उसको दर्शाता है। कहते जी उसमें अश्लीलता है। जब हम नए नए प्रभु में आए थे, एक भाई आकर मुझको बोलते हैं, कहते तुझे एक बाइबल में आए तो पढ़ाओ। मैंने कहा पढ़ाओ जी। तो वो सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन में व्हेन शी वाज टॉकिंग अबाउट हर ब्रेस्ट, तो वो आयत निकाल कर मुझे पढ़ाकर हंसने लग गया पास्टर का बेटा। कहता देखो क्या लिखा हुआ है भाई। हमारी मंद बुद्धि इन बातों को समझ नहीं सकती है। कैसे प्रेम करता है वो मसीह कलीसिया से, कैसा प्रेम करता है बताइए? पढ़ा है वचन में तो बताइए, कैसे प्रेम करने के लिए हमें कहता है? हाँ, हे पतियो अपनी पत्नी से ऐसे प्रेम करो जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। द लव ऑफ क्राइस्ट इज रिजेंबल टू द लव ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। पति पत्नी के प्रेम के साथ उसको रिजेंबल किया गया है। वो पुस्तक इतना खुला हुआ क्यों है? इतना ब्रॉड वे में बातें क्यों करता है? ये अदन बाग की कहानी को दर्शाता है। दे आर नेकेड बट दे आर नॉट शेम्ड, नंगे है पर लजाते नहीं है। वो उस हालत को लिखा हुआ है,
उनके आपसी प्रेम को समझ में आ रहा। दे आर एक्सप्रेसिंग लव टुवर्ड्स ईच अदर। हमारा प्रेम पति पत्नियों का कैसा है, एक साल होता है आई लव यू टू, उसके बाद हु आर यू, प्रेम धीरे धीरे फिर ठंडा पड़ने लग जाता है, फिर धीरे 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 एक दूसरे पर खिंचने लगते हैं, एक दूसरे पर गुस्सा होने लग जाते हैं। उस कहानी को पढ़ेंगे तो आपको कलीसिया और मसीह दिखेगा। मैंने आज सुबह पढ़ा पूरा पुस्तक, 8 अध्याय है उसके। सोलोमन मेन करेक्टर नहीं है इसमें, सोलोमन इस स्टोरी में विलन है। सुलेमान इस औरत को उठाकर अपने महल में ले गया ताकि इसको अपनी रानी बनाए, परंतु ये प्रेम करती है एक चरवाहे से। पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो वहां पर बंदिश में कैद में है और उधर बैठी हुई बातें कर रही है, मेरा प्रिय कब आएगा, मेरा प्रिय कब आएगा। और उसका प्रेमी भी कहता है, रिटर्न, मेरे पास लौट आ। क्या आप ईगर हैं प्रभु के लिए ऐसे? क्या आप तड़पते हैं प्रभु के लिए, प्रभु से मिलने के लिए? अगर नहीं तो आपको चिंता करने की जरूरत है। आपने पहला सा प्रेम छोड़ दिया, आपने वो प्रेम खो दिया, आपने अपने मन को कठोर कर लिया। एक समय आया जब इसका प्रिय दरवाजे पर आ गया और दरवाजे पर आके खटखटाने लगता है। ये आलस करने लग जाती, मैं कपड़े उतार कर बैठी हूँ, अब मैं कैसे पहनूं, मैं कैसे पाँव जमीन पर रखूं, कैसे मैं उठूं नींद से, कैसे दरवाजा खोलूं। वो चला जाता है। वो ये किसको दर्शाता है ऐसी स्टोरी? मसीह और कलीसिया के बीच में प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 20 वचन में लिखा है, वो द्वार पर खड़ा खटखटाता है, हम खोलेंगे नहीं, ही विल बी गॉन, चला जाएगा वो। उसके बाद की हालत क्या है? उसके बाद की हालत ये ढूंढती फिरती है, मारी मारी फिरती है कहीं मुझे मिल जाए। फिर जब मारी मारी फिरती है, चौंकों सड़कों में घूमती है कि मेरा प्रिय मुझे मिल जाए, मैं क्यों नहीं उठी, मैंने क्यों दरवाजा नहीं खोला। फिर रास्ते में जो वॉचर्स हैं, वॉचमैन हैं, उन्होंने इसके साथ बदसलूकी की। वो वॉचमैन सेवकों को दर्शाता है, ऐसे झूठे नबी, ऐसे झूठे सेवक हमारे ऊपर आ जाएंगे जो फिर हमें डिस्ट्रॉय करेंगे, हमारी गिनती घटाएंगे। जैसे पिछले सप्ताह हम बात कर रहे थे, भेड़ियों के हाथ में हम चले जाएंगे, वो हमें फाड़ देंगे, वूंड करेंगे, हमें जख्म देंगे हमें। ये स्टोरी है सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन की। ये मसीह और दुल्हन के प्रेम को दर्शाता है। हमारा गंदा माइंड, हमारा गंदा विचार हमें उस पुस्तक को समझने नहीं देता है। हमें वो शब्द पढ़ के ऑकवर्ड फील होता है। ये हमारी सोच ही ऐसी है। इधर कोई लड़की स्कर्ट पहन के घूमेगी तो हम लड़के लोग दो उसकी उसको घूर घूर के देखेंगे। बाहर के मुल्कों में ऐसा नहीं है, उधर आम ही लोग लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती है और कोई उन्हें घूरता नहीं ऐसे। हमारे जैसे लोग होंगे उधर जो घूरते हैं, ये सोच ऐसी है, इसलिए हमें ये पुस्तक समझ नहीं आती। वो सिस्टर बता रहे थे कि अर्नेस्ट मल कहते ये प्रभु के दीवानों को समझ आती है। है आपके अंदर प्रभु के प्रति दीवानगी? किसी लड़का लड़की का आपस में शुरू हो जाता तो रातों रात देर देर घंटे रात रात फोन पर बातें करते रहते हैं, फुसफुसाते रहते हैं। क्या आप रातों को उठ उठ के प्रार्थना करते हैं, प्रभु से बातें करते हैं? नहीं, क्योंकि संसार से बातें करते वक्त हमें याव होता है, प्रभु के सामने आने से हमें याव नहीं होता। संसार हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। दुनिया के साथ हम ज्यादा प्रेम करते हैं बजाय कि परमेश्वर के, परमेश्वर सेकेंड हमारा ऑप्शन है। यही कारण है कि हमारी आवाज़ नहीं खुलती। अभी मीटिंग बंद होगा, सब बैठ जाएंगे, बातें करने लग जाएंगे, अपने हालचाल बताएंगे एक दूसरे को, फिर सबके मुंह खुलेंगे, फिर सबको बातें आएंगी। यही फर्क है। वहीं से परख लीजिए अपने आप को, जांच लीजिए अपने आप को, मजबूत करें, दृढ़ हो, प्रभु में मजबूत हो, जड़ पकड़े प्रभु में और प्रभु से प्रेम में बढ़े। जरा अपने आप को जांचे और परखे, अपने हृदय से पूछे, क्या तू परमेश्वर से प्रेम करता है? और सुनिए ध्यान से दिल की आवाज़, जवाब सुनिए। ये दिल आपको जवाब देगा, आपसे बात करेगा, आपकी ढिलाई को आपके सामने ले आएगा। नहीं, तू नहीं करता। पूरे मन से प्रभु से प्रेम करने का अर्थ क्या है? पढ़िए वो वचन, लूका 10:27। उसने उत्तर दिया, हाँ, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। दोबारा पढ़िए। उसने उत्तर दिया तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बताइए, रखते हैं? हाँ तो बोलिएगा ही नहीं, नहीं रखते हम। अपनी सारी क्या क्या चीजें हैं? सारे मन से सारे प्राण से सारी शक्ति और सारी बुद्धि। सारा मन, सारा प्राण, सारी शक्ति, सारी बुद्धि,
आधी अधूरी नहीं, सारी, आधा अधूरा मन नहीं, सारा मन से, आधा अधूरा प्राण नहीं, सारा प्राण। प्राण पता क्या है? लहू में प्राण है, प्राण में लहू। हैव टू लव योर गॉड फ्रॉम योर ब्लड। आपके लहू से प्रेम करना है, लहू के द्वारा प्रेम करना है आपने उसे। आपकी रगों में जो दौड़ रहा है, आपकी नस नस में उसका प्रेम होना चाहिए, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से, विजडम से, समझ के साथ। आप यदि परमेश्वर से प्रेम करेंगे, यू विल नेवर कंप्लेन। आप कभी भी कंप्लेन नहीं करेंगे उससे अपने हालातों को लेकर। प्लीड जरूर कर सकते हैं, सप्लीकेशन जरूर परमेश्वर के आगे रख सकते हैं, दुआ जरूर कर सकते हैं विषयों को लेकर, बट यू विल नेवर कंप्लेन इफ यू ट्रूली लव। कभी भी आप उसे कंप्लेन नहीं करेंगे यदि आप परमेश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं। उसने कैसा प्रेम किया आपसे? निस्वार्थ प्रेम उसने हमसे किया, अगापे प्रेम। वैसा ही प्रेम हमने करना अपने सारे मन से, सारी बुद्धि से, सारे प्राण से, सारी ताकत से। हालेलुया। ताकत, एफर्ट, ये सारी ताकत से प्रेम करोगे तो आप फिर ऐसा नहीं कहोगे अभी मैं कैसे उठूं, कड़ी खोलूं, दरवाजा खोलूं। योर स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ से आपने प्रेम करना है परमेश्वर। हालेलुया। कई बार फोन करते हो आप लोग प्रार्थना के लिए, रात को एक एक बजे, दो दो बजे। कई बार तो मैं जगा होता हूँ, कई बार मैं सोया होता हूँ तो भी उठाया है, नींद से उठ के उठाया, कि आधी रात को फोन कर रहे, पता नहीं क्या दिक्कत, पता नहीं क्या परेशानी आ गई, फिर दुआ करते। तो थोड़ा मजबूत होइए प्रभु में। आपके लिए मैं देखता रहता हूँ, स्वप्न मुझे आते रहते हैं, कभी किसी के लिए, कभी किसी के लिए, कौन कैसा है, किसकी हालत क्या है, सब मेरे ऊपर जाहिर है। सिर्फ बताता ही नहीं हूँ मैं, आप अपने आप खुद को सुधार ले। प्रभु के हाथों में पड़ना भयानक बात है।